बड़वानी जिले में आकाशीय बिजली से बचाएगा दामिनी मोबाइल ऐप। बिजली गिरने के 30 से 40 मिनट पहले ही मोबाइल पर मिल जाएगी चेतावनी। कृषि विभाग केंद्र ने की लोगों से ऐप डाउनलोड करने की अपील। बड़वानी आकाशीय बिजली से बचाएगा दामिनी मोबाइल ऐप। कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस के बड़ोदिया द्वारा मौसम वैज्ञानिक रविंद्र सिकरवार ने बड़वानी जिले के किसानों और आम नागरिकों से आकाशीय बिजली और वज्रपात से बचने के लिए अपने मोबाइल में दामिनी ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत मौसम विभाग द्वारा विकसित किया गया यह ऐप आकाशीय बिजली की सटीक पूर्वानुमान देता है। इस ऐप के मदद से बिजली गिरने से 30 से 40 मिनट पहले ही आपको चेतावनी मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 50 से 100 बिजली गिरने की घटनाएं होती है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। सर, आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए किस तरीके के जी आकाशीय बिजली से बचने के लिए पृथ्वी अर्थ साइंस के द्वारा से एक दामिनी ऐप लॉन्च किया गया है। जो दामिनी ऐप क्या है, अपने मोबाइल में अपन प्ले स्टोर में जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद जो अपनी जीपीएस लोकेशन ट्रेस करता है, और उसके ट्रेस करने के बाद जो अपन को एक अलर्ट जारी करता है। जब मौसम ख़राब होगा तो बारिश गिरने की या बिजली चमकती है, अपन उसमें अपने मोबाइल में अगर इसको ओपन करें तो अपन को एक अलर्ट जारी करेगा कि अपने यहाँ बिजली गिरने की संभावना है कि नहीं है। तो जी जीपीएस के माध्यम से 20 किलोमीटर दूर बिजली गिरेगी तो बता देगा, या 40 किलोमीटर तक की अपनी जो रेंज है उसको कवर करेगा, और इसमें जी बताएगा कि अपन को कहाँ बिजली गिरेगी और जब कितनी देर बाद गिरेगी। इसमें भी एक ऊपर वो रहती है, तो 5 से 15 मिनट या 20 से 25 या 30 मिनट की वो भी बताया, संभावना बताया था, और एक अलर्ट जारी करेगा। उसमें आपको उसकी सावधानी भी बताएगा कि अपन अपनी सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ या पक्के मकान के नीचे, ऐसी स्थिति में जाकर अपन जो आकाशीय बिजली गिरने की संभावना रहती है, इससे अपनी जनधन की हानि होती है, उससे अपन बच सकते हैं। और जो मोबाइल में अपने इस प्रकार से जो काम करता है, जैसे अपन इसको इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद जो पैरामीटर दिए हैं 0 से 15 मिनट में या 5 से 10 मिनट में और 10 से 15 मिनट में, और इधर जो अपना जीपीएस है जो अपन अभी है इधर पॉइंट बता रहा है, अपनी बता रहा है जी 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर दी में, तो अभी कोई चेतावनी जारी नहीं है, तो बता रहा है बिजली गिरने की कोई चेतावनी भी नहीं है। जब वो बिजली गिरने की संभावना होगी तो यहाँ पे एक अलर्ट जारी हो जाएगा, तो अपन इससे देख के इसको सावधान हो सकते हैं और बिजली से जो अपनी हानि है उसको अपन बच सकते हैं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करना? आकाशीय बिजली से बचने के लिए भारत सरकार नई दिल्ली के साथ IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप को हमारे जो भी निवासी हैं या हमारे जो किसान बंधु हैं जो खेतों में काम करते हैं जो बाहर रहते हैं वो सब लोग अपने एंड्रॉइड मोबाइल में अगर इसको इंस्टॉल कर लें, तो इंस्टॉल करने के बाद में जब अगर कभी मौसम ख़राब होता है तो ये इसके माध्यम से हमें अलर्ट मिलता है। उस अलर्ट के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि बिजली कहाँ कब गिरने वाली है, और उससे जन धन की हानि होने के साथ साथ हम अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। सर, कौन सा ऐप है और किस तरीके से यूज़ होता है? ये दामिनी लाइटनिंग अलर्ट नाम का ऐप है, और इसको प्ले स्टोर में जाकर हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और जीपीएस के माध्यम से ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है। जीपीएस के माध्यम से करीब करीब 30 से 40 किलोमीटर दूरी तक कहाँ पर बिजली गिरने वाली है उसके बारे में ये अलर्ट जारी करता है, और साथ ही साथ इसकी अलग अलग रेंज है 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट और 20 से 40 मिनट। तो उस हमको 30 से 40 मिनट पहले हमको इसकी जानकारी मिल जाती है कि अब बिजली गिरने वाली है, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए और हम अपना जो भी क्षति होने वाली है उस क्षति को हम रोक सकते हैं इसके माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।